हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी हमारे यहाँ पर गांव में कच्चे घरों में लगाई जाने वाली मिट्टी। तो ये सब देखने के लिए आप बने रहे मेरे इस वीडियो में। वो मिट्टी कैसे तैयार की जाती है और कैसे वो लगाते हैं, ये सब बताऊँगी। तो प्लीज़, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, जब ये मिट्टी अच्छे से मिक्स की जाती है, फिर इसके बाद इसको लगाया जाता है जहाँ पर या तो मिट्टी टूट गई होती है या मतलब दीवारों निकल गई होती है वहाँ पे। तो यहाँ पर लगा रहे हैं ये मिट्टी। और फिर इसके बाद जब ये सूख जाती है तो इसके ऊपर की जाती है गोबर से इसकी लिपाई, और फिर उसके बाद इसके ऊपर किया जाता है वाइट वॉश। फ्रेंड्स, थोड़ा सा इनका ये कच्चा आंगन है, यहाँ पर भी ये लगा रहे हैं मिट्टी। और फिर इसके ऊपर ये करेंगे गोबर से इसकी लिपाई, और फिर इसमें मतलब पक्का और स्मूथ हो जाएगा एकदम। और यहाँ पर आंगन की साइड पे इन्होंने बना रखी हैं क्यारियाँ, जिसमें लगाई है मिर्चें, लहसुन, ये सब। हमारे गांव में कच्चे घर जो हैं वो फ्रेंड्स इस टाइप के हैं, स्लेट पड़े हुए हैं ऊपर और नीचे। पहले तो ये बिल्कुल ही कच्चे होते थे मिट्टी के, बट अब ये बरामदे वगैरह जो हैं ये सीमेंट वगैरह डालना स्टार्ट कर दिया हुआ है। और ये रहा इनका चूल्हा, यहाँ पे ये खाना वगैरह बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सामने रहा इनका देवताओं का स्थान, जहाँ पर इन्होंने अपने मतलब भगवान वगैरह बनाते हैं। तो सबसे पहले ये यहाँ पर मिट्टी लगाते हैं, फिर उसके बाद बाकी आंगन वगैरह और जहाँ भी लगाने हो वहाँ पर स्टार्ट करते हैं। Thank you.
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।